Assalamualaikum, welcome to our health clinic channel. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके आईब्रोज और लैशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्पफुल साबित होगी. इसका रिजल्ट आपको बहुत इंस्टेंट मिलेगा. ये आपके आईब्रोज के बाल को ग्रो करने और आपकी लैशेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी. बहुत से लोगों की आईब्रोज ग्रो नहीं कर रही होती और लैशेस भी ग्रो नहीं कर रही होती, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. और बहुत से लोगों की अगर ग्रो होती भी हैं, बहुत हेल्दी और थिक होती भी हैं, तो आपकी आईब्रोज और लैशेस बहुत टूट रही होती हैं, बहुत गिर रही होती हैं, तो इस सूरत में भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी. आपके जो घने थिक आईब्रोज हैं वो सस्टेन रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, और इस रेमेडी से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा. और जिनकी ग्रोथ बहुत कम है तो उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. तो आपके साथ शेयर करते हैं ये रेमेडी. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए. आईब्रोज और आई सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल आपने 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ले लेना है, क्योंकि यह हम सब 1 वीक के लिए या 5 डेज के लिए बनाएंगे, उसके बाद दोबारा बना सकते हैं आप लोग. ये हमने ली है ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल, इसलिए ये ज़्यादा वीक नहीं चल पाएगा. ये 1 ही हफ्ते आराम से चल पाएगा. फिर ये प्रिजर्वेटिव इसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं, तो कुछ लोग चाहें तो वो प्रिजर्वेटिव भी ले सकते हैं. बेहतर होगा कि आप ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल ही इस्तेमाल करें. हमने एलोवेरा जेल ले ली है, साथ में हमने लिया है जैतून का तेल. जैतून के तेल के साथ हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल हमारे बालों को ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. आप इसका इस्तेमाल अपने सर पे भी कर सकते हैं, अपने बालों की ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं. ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में इसका यूज़ करना है, अभी आपको बताते हैं. फिर साथ में आपको एक विटामिन ई का कैप्सूल चाहिए. साथ में आपको अपने पुराने मस्कारे का एक ब्रश चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने आईब्रोज और अपनी आईज पे अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. आपने इसके अंदर थोड़ा सा जैतून का तेल ऐड करना है, साथ में आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी में कैस्टर ऑयल ऐड करना है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी देखें बहुत ही ज़्यादा थिक होती है. ये देखें बहुत ज़्यादा थिक है, तो हम इसके फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे. मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये देखें ये कितना ज़्यादा थिक होता है, तो इसलिए आपने इसको कम ऐड करना है. फ्यू ड्रॉप्स आपने इसको विटामिन ई के कैप्सूल्स के ऐड करने हैं इस तरह से, ठीक है. 2 to 3 drops आप इसके अंदर ऐड कर लें. साथ में आपने इसी ब्रश की मदद से ही अच्छे से इसको मिक्स करना है, इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है. अच्छे से आपने मिक्स करना है, ये देखें इस तरह से. ये लम्स वगैरह जो आपने अपना ऑर्गेनिक निकाला है, ऑर्गेनिक के अंदर तो ये इस तरह से आएगा ही, तो इस तरह से फिर आपने अपने आईलैशेस पे अच्छे से लगाना है, ठीक है. इस तरह से ये आप लगाएंगे. ये थोड़े से देखिए, इसके अंदर थोड़े थोड़े से एलोवेरा जेल के पार्ट्स हैं. होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. शुक्रिया.